Now, slightly changing our focus towards the state of Rajasthan, where a recent step taken by the Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot is currently being termed as hypocritical. This is because Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has sacked Minister of State Rajendra Guha hours after he cornered the state government in the assembly. Now, Guha said that instead of Manipur, the government should look within as atrocities on women have increased in Rajasthan. He further said, and I quote, "It is true, and it should be accepted that we have failed in women's safety in the state." Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot will address the press meet at his official residence in Jaipur today. सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कोई बयान नहीं था, सिर्फ मामला इतना सा, मैं जिस उदयपुर वाटी से जीत के गया हूँ और 36 कौम की बहन बेटियों ने हमें वहां जिताकर भेजा था, वो इसलिए भेजा था कि हम उनके मान सम्मान की, हम उनकी सुरक्षा कर सके, उनकी हिफाजत कर सके। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रोज अखबारों में रोज जगह 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 बच्चियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है, सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर वन पर आ गया, ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। मैं जब पिछले टाइम के अंदर जब बीजेपी का कांग्रेस का राज नहीं था, उस टाइम में भी एक महिला का, एक माइनॉरिटी की यूपी की बच्ची थी। ठीक है, सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन और प्रशस्ति राजेंद्र सिंह जी गोड़ा के साथ में है, क्योंकि उन्होंने साहस के साथ में हकीकत को बयान करने का काम किया। लेकिन इस साहस को और सच को गहलोत सरकार स्वीकार नहीं कर पाई और इस बात पर मुहर सरकार ने अनायास ही लगा दी कि राजस्थान में महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला व्यक्ति न तो राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है और न महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति या मंत्री इस सरकार में सुरक्षित है। ये स्टेटमेंट जो अभी राजस्थान में स्थिति है उसको पूरा समर्थन करते हैं और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, राजस्थान जो हमारा बहन बेटी बहू को संरक्षण देने वाले का एक बहुत बड़ा विरासत है, इट्स अ ग्रेट कल्चर वेयर वुमन आर बीइंग गिवन हाईएस्ट रिस्पेक्ट। लेकिन आज के स्थिति देख के तो अत्यंत महिला के लिए अत्यंत असुरक्षित राज्य राजस्थान है, तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया है।